आप इस तरह से रिंग पिस्टन फिट कीजिए, आपके बाइक कभी नहीं व्हाइट स्मोक देगा, नहीं आपको धुआं देगा। देखिए मेरे पास बजाज कंपनी का प्लैटिना जो है, प्लैटिना बाइक का यहाँ पे ब्लॉक किट है, जो प्लैटिना ओल्ड मॉडल है, CT 100 है, बॉक्सर है, उन सभी बाइक में एक ही ब्लॉक किट फिट हो जाता है। तभी हम बात करने वाले हैं ब्लॉक किट का प्राइस क्या है और इसमें रिंग पिस्टन जो फिट करते हैं वो कैसे फिट करते हैं। बहुत मैकेनिक के मन में डॉट रहता है कि नया ब्लॉक किट हम डालते हैं रिंग पिस्टन, रिंग जो है सो फैल कर जाता है, बैग धुआं मार देता है। आप लोगों को सही तरीका बताएं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए यहाँ पे पहला प्राइस आपको दिखा रहे हैं, नजदीक से दिख रहे थे। अगर प्राइस का बात करें तो देखिए 1966 रुपये इसका प्राइस है और ये 2021 का ही पैकिंग है, इसलिए हम सभी वीडियो में बतलाते हैं कि प्राइस पर ज़्यादा डिस्कस बिल्कुल नहीं करना है। चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखला रहे हैं कि इसके अंदर पार्ट भी क्या क्या मिल रहा है। इसको हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे। इसका जो ब्लॉक किट है वो कितना प्यारा से पैकिंग किया गया, चलिए पैकिंग को यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो देखिए मुझे इसका पैकिंग गैस्केट वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो प्लैटिना बाइक का ब्लॉक किट है, इस ब्लॉक किट के अंदर देखिए यहाँ पे पिस्टन जो है सो पहले से ही असेंबल किया गया है, इसके अंदर रिंग लगा है पहले से प्रॉपर तरीका से। चलिए हम पिस्टन को बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखलाएंगे रिंग किस तरह से, कंपनी का जो फिटिंग है वो किस तरह से फिट किया गया है। इसको दबा करके हम बाहर निकाल ले, थोड़ा इस तरह से पुश करेंगे। देखिए यहाँ पे गजल पिन भी प्रॉपर तरीका से लगा गया है, एक तरफ का लॉक भी इसमें प्रॉपर लगा है, एक लॉक ये मेरे पास है पिस्टन लॉक है, गजल पिन का लॉक है, हम साइड में रख लेते हैं। देखिए निकलता भाई रास्ते से, देखिए रिंग पिस्टन जो है मेरा प्रॉपर बाहर निकल गया और ये एरो का निशान जो आप देख रहे हैं ना ये एग्जॉस्ट की तरफ रहेगा, साइलेंसर की तरफ रहेगा। उसके बाद अगर देख लीजिए, देखिए कंपनी का जो रिकमेंड है, एक कट यहाँ पे दिया गया है, दूसरा कट जस्ट इसके सामने दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी का फिटिंग है, कार्बेट नीचे वाला जो रिंग है कंप्रेसर का वो कार्बेटर तरफ है, जो ऊपर का है वो सैलेंसर तरफ है। उसके बाद आयल रिंग का बात कर ले, देखिए आयल रिंग का एक गैप यहाँ पे है, दूसरा गैप जो है सो यहाँ पे है सैलेंसर तरफ, एग्जॉस्ट तरफ। उसके बाद इस रिंग में देख रहे हैं कि M बना है या W, ये भी आपको डॉट क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं W बना हुआ है रिंग को, जो कंपनी का रिकमेंड है वो W बना हुआ है। ये तो चलिए हम टोटल रिंग को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, खोल करके फिर आप लोगों को बतलाएंगे रिंग पिस्टन सही तरीका किस तरह से हम लोग फिट करते हैं, ये कंपनी का तरीका है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस पिस्टन के अंदर से हमने टोटल रिंग को बाहर निकाल लिया खोल करके। अब जो आपको जो कंपनी जो बनाया था, और देखिए ये अभी बन रहा है W, ये अभी W बन रहा है, जिसको W नहीं बनाना है इसको बनाना है क्या M, इस तरह से। इसका जो कट है वो नीचे देना है, वो भी आपको कार्बोरेटर की तरफ देना है, इसका जो कट है ना वो कार्बोरेटर की तरफ देना है, यहाँ पे कार्बोरेटर तरफ, ये हॉल के सामने नहीं देना, इसको जस्ट बगल में देना है यहाँ पे इस तरह से। देखिए इसको हम दे दिए। अब उसके बाद इसका जो आयल रिंग है, दो आयल रिंग है, ये आयल रिंग देखिए, आयल रिंग जो है ये एक आपको देना है यहाँ पे सोलेंसर की तरफ, जस्ट इसका जो दूसरा रिंग है उसको देना है दूसरा को आपको कार्बोरेटर की तरफ, यहाँ पे जस्ट इसके सामने अपोजिट साइड में इस कॉर्नर पे आपको देना है। सिर्फ और सिर्फ हम ग्लैमर बाइक में दूसरे तरह से रिंग फिट करते हैं और प्लैटिना बाइक में इसी तरह से रिंग फिट कर, सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर बाइक में मेरा जो रिंग पिस्टन फिट करने का अनुभव दूसरा तरीका है। उसके बाद देखें यहाँ पे दो कंप्रेसर रिंग मिल रहा है, एक जो है तो ब्लैक रिंग का है, ब्लैक कलर का है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लिखा हुआ है Top 2, शायद आपको कैमरा में दिख जाए, आप यहाँ पे लिखा है Top 2, देख लिया आप Top 2 लिखा हुआ है, और इसमें सेम कंपनी का रिंग लगा है, रिंग पिस्टन इसमें सेम कंपनी का मिल रहा है। तो Top 2 जो है उसको देना है यहाँ पे नीचे में, और Top 1 है उसको देना है ऊपर में, ये बहुत ही हार्ड रिंग है और ये क्रोम रिंग है। चलिए अब हम फिट कर लेते हैं Top 2 रिंग को। देखिए यहाँ पे Top 2 रिंग जो था वो मेरा प्रॉपर फिट हो गया। अब इसका जो गैप आपको देना है, ये वाला जो रिंग है, इस रिंग को जो देना है कंप्रेसर का जो Top 2 रिंग है उसको देना है कार्बोरेटर की तरफ यहाँ पे, वो भी आपको इस कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे दे देना है, नीचे वाला रिंग को ऊपर की तरफ देना है, जो Top 2 रिंग है मेरा वो यहाँ पे, और जस्ट इसका जो ऊपर वाला रिंग है कंप्रेसर रिंग वो आपको देना है यहाँ पे, इसमें भी आपको जो लिखा है Top 1 और Top 2 इसको देना है ऊपर की तरफ यहाँ पे, देखिए
देखिए अब आपको हम देखिए रिंग मेरा प्रॉपर फिट हो गया, तो फिर से आपको बतला रहे हैं, देखिए आपको हम मार्कर से बतला रहे हैं इसको प्रूफ के तौर पे। देखिए टॉप वन वाला जो रिंग है ये मेरा, उसको देना है आपको साइलेंसर की तरफ, कंप्रेसर रिंग को एक को गैप इस कॉर्नर पे देना है, इसी का जस्ट अपोजिट आपको दूसरे जो कंप्रेसर रिंग है ब्लैक वाला उसको यहाँ पे देना है। जैसे ये रहेगा एग्जॉस्ट की तरफ, देख रहे एरो का निशान, ये रहेगा एग्जॉस्ट की तरफ इस तरह से। आपको एक रिंग ऊपर वाले रिंग को यहाँ देना है साइलेंसर की तरफ, कंप्रेसर रिंग को जस्ट इसके सामने देना है यहाँ पे टॉप टू रिंग कंप्रेसर को कार्बोरेटर की तरफ, जैसे कि इसका गैप हमने यहाँ पे रखे, देख रहे हैं आप यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद जो आ गया मेन जो वायल रिंग है, ये नीचे वाला जो वायल रिंग है, तो वायल रिंग का आपको एक गैप देना, सबसे नीचे वाला जो आयल रिंग है उसका जस्ट गैप देना है आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पर, आप देख लीजिए यहाँ पे देना है जस्ट। उसके बाद देना है यहाँ के ऊपर वाले जो वायल रिंग है उसका गैप यहाँ पे देना है, आप यहाँ देख रहे हैं हमने गैप दे रखे, थोड़ा राउंड हो गया तो इसको हम थोड़ा इसको राउंड करके यहाँ पर ला लेंगे। देखिए अब जो बीच में जो आप घूरमा घूरमा जो आप रिंग देख रहे हैं बीच वाला है, तो आप देख रहे हैं आयल स्पेंडल रिंग जो बीच में जो टेढ़ा मेरा जिलेबी जैसा उसका जो गैप देना है उसको देना है आपको कार्वेटर की तरफ, वो भी यहाँ पे बीच सेंटर में, यहाँ पे देना है बीच सेंटर में। और उसको आपको बतला दी कि एम बनाना है, डब्लू बिल्कुल नहीं बनाना, इस उसको आपको इस तरह से एम बनाना है, एम बना करके देना है, वो भी कार्वेटर तरफ, वो भी इस बीच सेंटर पर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिंग किस तरह से हम लोग फिट करते हैं, एक कंप्रेसर रिंग यहाँ देना है, दूसरा यहाँ देना है, एक आयल रिंग यहाँ देना है, जस्ट इसके सामने एक यहाँ देना है, बीच वाले जो वेल रिंग है वेल एक्सपेंडर रिंग जो बतला है उसको गैप यहाँ देना है, वो भी एम बनाना है। आप देखिए एम हम आपको बना करके दिखलाए हैं। आप इस तरह से रिंग पिस्टन फिट कीजिए, आपके बाइक कभी नहीं व्हाइट स्मोक देगा, नहीं आपको धुआं देगा। तो फ्रेंड्स फिट करने से पहले आपको रिंग पिस्टन को अच्छी तरह से पेट्रोल से आपको वॉश कर लेना है, इस तरह से पेट्रोल के मदद से इस तरह से आपको अच्छा से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही आपको बाइक में रिंग पिस्टन फिट करना है। पेट्रोल से वॉश करने के अच्छा से बाद उस पर आपको इस तरह से नया वाला इंजन ऑयल डाल देना है, इस तरह से ताकि लुब्रिकेट, इस तरह से इंजन ऑयल डाल देना है, उसके बाद ही आपको बाइक में फिट करना है। जिस तरह से हम आपको बतलाया उस तरह से रिंग पिस्टन फिट कीजिए, कभी नहीं आपका बाइक व्हाइट स्मोक देगा। और सिर्फ जो मैं रिंग पिस्टन इंस्टॉल करता हूँ ग्लैमर बाइक में, दूसरे तरह से रिंग पिस्टन फिट करता हूँ। तो आप लोगों को ग्लैमर बाइक का रिंग पिस्टन पे वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि देखिए ग्लैमर बाइक में बहुत मैकेनिक के मन में यह डॉट रहता है कि हम नया रिंग पिस्टन ब्लॉक किट डाल रहे हैं तो बाइक धुआं मार देता है, रिंग फेल हो जाता है, ब्लॉक किट जो है ब्लॉक फेल कर देता है, बहुत जल्द बाइक धुआं देने लगता है। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरह से हम आपको बतलाएंगे उस तरह से रिंग पिस्टन फिट कीजिएगा। तो अगर आप हमसे पर्सनली में कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्कशॉप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, आप कहीं भी मैसेज करके पूछ सकते हैं।